बुखारी और मुस्लिम में बनी इसराइल के एक कातिल का वाकया नकल किया गया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के यहाँ तौबा की कबूलियत से मुतालिक साहबाए किराम रिजवान अल्लाह अजमाइन के सामने बनी इसराइल के एक कातिल का नहायत ही खूबसूरत और ईमान अफरोज़ वाकया बयान फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स चोरी डकैती और कत्ल में बहुत ही मशहूर था और नहायत ही मामूली बात पर किसी का भी कत्ल कर देता था। होते होते इसके हाथ से 99 अफराद का कत्ल हो चुका। इसके बाद इसके दिल में एहसास पैदा हुआ कि मुझे भी तो अल्लाह के यहाँ जाना है। चनाचा ये फिक्र बढ़ता रहा और लोगों से मालूमात करते करते सरगदां फिरने लगा कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। लोगों ने एक आबिद शख्स के पास जाने का मशवरा दिया। उस शख्स ने उसके पास जाकर मसला मालूम किया कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है और क्या मेरी मगफिरत हो सकती है जबकि मैंने 99 इंसानों की जान मारी हो। तो इस आबिद को मसला मालूम नहीं था। उसने अपनी अक्ल से क्या सराई की कि जो आदमी 99 इंसानों की जान मार सकता है इसकी मगफिरत कहाँ से होगी। चनाचा इसने कह दिया कि तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। इस शख्स को गुस्सा और जलाल आ गया और उसने उसे भी कत्ल करके 100 पूरे कर दिए कि जब मेरी तौबा कबूल नहीं होगी तो लाओ तुझे भी ख़त्म करके 100 पूरे कर देता हूँ। चनाचा इसने 100 पूरे कर दिए मगर इसके दिल में फिर भी मगफिरत का ख्याल बाकी रहा। इसलिए उसने लोगों से फिर से मालूमात का सिलसिला जारी कर दिया कि रोए ज़मीन में सबसे बड़ा आलम कौन है, इससे जाकर मालूम करूँगा, वही सही मसला बता सकता है। आखिर लोगों ने उसे बताया कि फ़लाँ जगह एक आलम रहता है, इससे जाके मुलाकात करो। चनाचा उसने इस आलम साहब के पास जाकर अपनी ज़िंदगी की कारगुजारी सुनाई और 100 आदमियों को किस तरह से कत्ल किया सारा कारनामा सुनाकर मालूम किया कि अब बतलाइए कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं, क्या अल्लाह के यहाँ मुझ जैसे गुनहगार के लिए भी कोई मगफिरत का खाना है या नहीं। तो इन आलिम साहब को चूंकि इल्म था तो उन्होंने बताया कि तेरे गुनाह माफ़ करने के लिए अल्लाह के यहाँ क्या रुकावट है, अल्लाह की रहमत का समुंदर तुझ जैसे गुनाहगारों के गुनाहों से बड़ा वसी है। चनाचा इस आलिम साहब ने मशवरा दिया कि तुम फलां जगह सफ़र करके जाओ, वहाँ कुछ अल्लाह के बंदे रहते हैं, इनका मशगला सिर्फ अल्लाह की इबादत है, इनके साथ मिलकर अल्लाह की इबादत करो और नादिम होकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, इंशाअल्लाह तुम्हारी मगफिरत हो जाएगी। जब इस शख्स ने आधा रास्ता तय कर लिया तो मुल्कुल मौत आ गई और इसकी मौत हो गई। अब इसकी रूह ले जाने का मसला खड़ा हुआ। आसमान से रहमत के फरिश्ते भी आए और अजाब के फरिश्ते भी। रहमत के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक हमको है, इसलिए कि ये सच्चे दिल से तायब होकर इबादत के लिए जा रहा है। और अजाब के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक हमको है, इसलिए कि इस शख्स ने कभी कोई नेक काम नहीं किया है। इसी दौरान आसमान से आदमी की शक्ल में एक फरिश्ता आया। बाज़ रवायात से मालूम होता है कि ये आने वाला फरिश्ता हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। चनाचा इस फरिश्ते ने तशरीफ़ लाकर इन दोनों तरह के फरिश्तों के दरमियान ये फैसला किया कि दोनों तरफ की मुसाफत नाप कर देख लो कि जहाँ से आ रहा है वो मुसाफत करीब है या जहाँ जा रहा है वो मुसाफत। लिहाजा जहाँ की मुसाफत करीब हो इस शख्स को वहाँ वालों में शुमार कर दिया जाए। चनाचा दोनों तरफ की ज़मीन नाप कर देखी गई तो जहाँ जा रहा था वहाँ की मुसाफत जहाँ से आ रहा था इसके मुकाबले में सिर्फ एक बालिश्त करीब है। चनाचा फैसला हुआ कि मकाम मसीहत से मकाम इबादत सिर्फ एक बालिश्त करीब है, इसलिए रहमत के फरिश्तों को इसकी रूह ले जाने का हक होगा। चनाचा अल्लाह की तरफ से इसकी मगफरत का ऐलान हो गया है। हदीस कुदसी में आता है कि मैं अपने बंदे के साथ इसके गुमान के मुताबिक होता हूँ और वो मुझे जहाँ भी याद करे मैं उसके साथ हूँ। बाहुदा अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा से इससे ज़्यादा खुश होता है जितनी खुशी तुम में से किसी ऐसे शख्स को होती है जिसका जानवर बयाबान में गुम हो और फिर से मिल जाए। और जो शख्स एक बालिश्त मेरी तरफ आता है मैं एक हाथ उसके करीब हो जाता हूँ, और जो शख्स एक हाथ मेरे करीब आता है मैं इसके एक बाग यानी फैलाए हुए दोनों हाथों के दरमियान की मुसाफत करीब हो जाता हूँ, और जब वो मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं इसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। हासिल मालूम ये हुआ कि जब भी एक इंसान सच्चे दिल के साथ तौबा करेगा तो अल्लाह ताला उसकी तौबा ज़रूर कबूल फरमाएंगे इंशाअल्लाह। ये वाक़या खसूसन उन हजरात के लिए हौसला अफजाई और मावनत का सबक है जो कि बड़े बड़े गुनाह करके अब मायूसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि शैतान इंसान को मायूस करता है। बहरहाल गुनाहगारों को शैतान की बातों में आकर मायूस नहीं होना चाहिए बल्कि अल्लाह की रहमत से अच्छी उम्मीद रखकर सच्ची तौबा के ज़रिए अपने आप को पाक साफ़ कर लेना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।